बात करेंगे राजधानी लखनऊ की, जहां पर ई रिक्शा के जाम से निपटने के लिए लखनऊ पुलिस ने नया नियम बनाया है। अब ई रिक्शा को रोड पर चलाने से पहले लखनऊ पुलिस की ओर से जारी किए गए फॉर्म को जमा करना होगा और पहले इसको भरना होगा। वहीं पुलिस ई रिक्शा के लिए रूट तय करेगी, जिसके लिए पुलिस ने 16 जोन बनाए हैं। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार शहर में 50,000 ई रिक्शा चलाए जाते हैं। वहीं ACP लेवल का ऑफिसर अपने जोन में ई रिक्शा का संचालन देखेगा, साथ ही जिस भी जोन में ई रिक्शा चलाने की अनुमति होगी उसी जोन में रिक्शा का चालान होगा। समझ में आएगा, उसके थ्रू हम उसको जोन आवंटन करेंगे। जब जोन आवंटित हो जाएगा तो रिक्शा को पता रहेगा कि अब हमें इसी जोन में चलना, उस तीन थाना क्षेत्र में जो है उसी में चलना, उससे बाहर अगर जाएंगे पकड़े गए सवारी ढूंढते हुए दूसरे क्षेत्र में तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने जोन से बाहर ना जाए, हम उसको कलर कोडेड स्टिकर्स दे देंगे। वो स्टिकर्स अपने वो स्क्रीन पर चिपका लेंगे, जिससे हमें पता चलेगा। स्टिकर भी हम लोग का सिंपल कलर कोडिंग होगा। जैसे अगर हम ये 16 जोन की बात करें तो ये 5 DCP के अंडर में है, तो हमने अगर 5 कलर चुन लिए कि लाल, ब्लू, हरा, नीला, पीला, ये 5 कलर ऊपर के हो गए, और नीचे का जो कलर होगा वो जैसे DCP सेंट्रल है उसके अंडर में 3 है, तो 3 उसके 3 कलर नीचे वाले कलर हो जाएंगे। 2 पार्ट का कलर दिया, ऊपर का जोन का DCP जोन का कलर, नीचे ACP जोन का कलर। तो अगर कोई किसी भी रिक्शा का हमको 5 कलर हमने याद कर लिया 5 जोन का, तो रिक्शा को देख के समझ में आ जाएगा ये सेंट्रल जोन का रिक्शा है या किस जोन का रिक्शा है। तो एटलीस्ट जोन तो तुरंत समझ में आ जाएगा, फिर DCP का वो ACP अपना एरिया देख लेगा कि हमारे यहाँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है।